गुड मॉर्निंग ऑल. सो माय नेम इज शाश्वत कुमार. वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज. और आज हम हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने. एज यू कैन सी मेरे पीछे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है. रशिया की दो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक कजान स्टेट में सेम है, कजान फेडरल और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेम सिटी में लोकेटेड हैं. इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके इन सारे फीचर्स के बारे में. सबसे पहली चीज़ ये कि कंप्लीट यूनिवर्सिटी के डिटेल शेयर करेंगे, सारा ओवरव्यू. दूसरा, नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताएंगे. यहाँ का FMGE पासिंग रेशियो जो है वो कैसा है और कितना है वो बताएंगे. क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे मिलता है और कौन से ईयर से स्टार्ट होता है. फी स्ट्रक्चर जो कि सबसे क्रूशियल पैरामीटर है कॉलेज डिसाइड करने में. हॉस्टल्स के बारे में बताएंगे कि यहाँ के हॉस्टल्स इंडियन स्टूडेंट के लिए कितने फिजिबल हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कजान स्टेट का डिटेल्ड ओवरव्यू दें, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए कि आप कौन सी ऐसी कंट्री और यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं जहां से आप MBBS करना चाहते हैं. कमेंट में लिखिए सो दैट वी कैन मेक अ डिटेल्ड ओवरव्यू वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अगर बात करें कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इस्टेब्लिश हुई थी ये 1814 में. एंड मेडिकल हिस्ट्री एज यू अंडरस्टैंड रशिया की हर यूनिवर्सिटी की लगभग बहुत पुरानी है. बीइंग अ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट्स ऑल ओनली फोकस्ड ऑन मेडिकल. एज यू कैन सी दैट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का कोर्स है MBBS, जो कि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं. इंडियन स्टूडेंट्स का इनटेक यहाँ पे 200 से 300 है हर साल. तो आप समझ सकते हैं कि जो टोटल इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे वो करीब 700 से 800 स्टूडेंट्स पढ़ रहा है इस टाइम पे. यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी 18 से 14 में इस्टेब्लिश हुई थी. बट जो इंग्लिश मीडियम कोर्स था, जो फुली इंग्लिश मीडियम कोर्स था MBBS का, दैट स्टार्टेड इन 1994 से फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी हो चुकी है ये. कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर है वो सबसे पहला है एंट्रेंस टेस्ट. और यहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंपेरेटिवली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट से आसान है. मोर ओवर मेडिपीडिया की टीम इज़ देयर जो कि आपको अप्लाई करने से लेके एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में भी हेल्प करती है. सो मेडिपीडिया का सपोर्ट से यू कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम एंड गेट एडमिशन इनटू दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी. स्टडी पैटर्न की अगर बात करें कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, सो फर्स्ट से थर्ड ईयर जो होता है वो थियोरेटिकल होता है. हालांकि इनको क्लिनिकल नॉट प्रैक्टिसेस बट क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने लग जाता है जहाँ पे बच्चे हॉस्पिटल जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें हिस्ट्री लेना सीख जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और क्या क्या बेसिक ज़रूरतें हैं वो इनको एक्सपोजर मिलता रहता है. बिकॉज इनका जो टाई अप है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो बहुत बड़े हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है अरकावे वो 4000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है. और वहाँ पे आप ये समझिए कि बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही भेजना स्टार्ट कर देते हैं. इनका एनाटॉमी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है. प्लस अगर बात करें डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप की, तो ये करीब 25 से 30 हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड है ये यूनिवर्सिटी. जिसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है उसको जो पर्टिकुलर, लेट्स से जो OB/GYN है, तो उसको वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके उसका एक्सपोजर मिलता है. और MCI परसेंटेज इसलिए बहुत अच्छा है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, बिकॉज इनका जो स्टडी का पैटर्न है वो सिस्टमेटिक है. अगर हम बात करें इंडिया में पैटर्न की, तो इंडिया में कैसा होता है कि एनाटॉमी पढ़ाई तो पूरी बॉडी की एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, देन दे मूव टू अनदर सब्जेक्ट जैसे हिस्टोलॉजी या फिजियोलॉजी. यहाँ पे क्या है, सिस्टम वाइज है. पहले ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ाएंगे, हिस्टोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, देन दे विल मूव टू अनदर सिस्टम. सो सिस्टमेटिक होने की वजह से दे आर प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक MCI, एंड दैट इज द रीजन की MCI का पासिंग परसेंटेज यहाँ पे बहुत अच्छा है. तो अगर ट्यूशन फीस की बात करें वो है 4,16,000 रूबल पर ईयर. और अगर टोटल बजट यूनिवर्सिटी की का कैलकुलेट करें तो ट्यूशन, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ मिला के 27 से 28 लाख INR जाता है बजट करीब इस यूनिवर्सिटी का. फूड एक्सपेंसेस की बात करें तो आप 5,000 to 10,000 लिविंग एक्सपेंस और फूड का एक्सपेंस काउंट कर सकते हो. बात करें हॉस्टल्स की, सो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी हैं, सेमी गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी हैं, जहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से हॉस्टल चूज़ कर सकते हैं. जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं वो बहुत चीप हैं, 12 से 14 हज़ार रूबल पर ईयर की इनकी फीस है. अटैच्ड वॉशरूम और आपको किचन मिलती है जहाँ पे बच्चे बहुत आराम से अपनी कुकिंग कर सकते हैं, अपना मैनेज कर सकते हैं. अब अगर बात करें कि जैसे सिटी, जो कजान सिटी है दैट इज़ लाइक मुंबई और दिल्ली, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे ना कैब्स की दिक्कत है ना ट्राम की दिक्कत है, मतलब जो कम्यूट है वो बहुत ईजी है.
तो और हॉस्टल से दूरी भी अगर आप देखेंगे 1-1.5 किलोमीटर ऐसा है। हम खुद अभी वॉक करके आए पास के हॉस्टल से, जो कि कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, और क्लासेस जो हैं वो मेन बिल्डिंग में यहाँ पे चलती हैं, साथ साथ में इनकी जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं, रेड बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे, वहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की क्लासेस चलती हैं। सो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो इट्स अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी। सो अगर बात करें टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो 4,000+ स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, देन इजिप्ट से, फिर बाकी रशियन स्टूडेंट्स हैं, देन 700+ का एकेडमिक स्टाफ है। टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने बताया। अगर देखा जाए इंडियन स्टूडेंट की बात करें, मेडिपीडिया के स्टूडेंट्स की, तो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनसे हम मिले भी कल, उनका फीडबैक भी लिया। सो उनका फीडबैक ऐसा है कि येस डेफिनेटली इंडियंस कैन कम टू द यूनिवर्सिटी एंड दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो मेडिपीडिया का जो सपोर्ट सिस्टम है, वी आर नॉट जस्ट अ कंसल्टेंसी, वी आर अ बिग फैमिली, जहाँ पे यहाँ पे भी आपको अपने सीनियर्स का बहुत सपोर्ट मिलेगा। हर ईयर में ये बच्चा है जो कि आपको ये बता देगा कि यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करने के लिए। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी टू चूज़।